हाँ जी विंदु जी, तो आप कुछ बता रहे थे कि वैक्सीनेशन लेना बहुत इम्पोर्टेंट है जी, बिल्कुल बहुत जरूरी है, और भी बहुत ढेरों सारा मैसेज दे रहे थे। बिल्कुल, आपको सबसे पहले ये है मधुरिमा तुली, स्वागत है आपका। अगर करती है प्यार तो फूल बरसाती हैं, अगर करती है नफरत तो खून चूस जाती है। ये बोला जरूरी था आपका, अब तब से यही बोले जा रहे हो ऐसा हमने, कुछ हमने इसका नच बलिए किया है, बहुत ही स्वीट वंडरफुल वेरी वेरी लवली, जब तक खुश हैं जैसे इन्हें गुस्सा आता है तो ये ऐसे लगता है कि भूचाल आया, तूफान आया। वो तो किसी के साथ भी होता है ना, मतलब इंसान है, अगर कोई जानवर भी है, थोड़ा टकराव हो जाती है किसी से तो भड़क ही सकता है। मुझे लगता है चंद्रकांता शो याद आ जाता है इसको, चंद्रकांता थी खतरनाक वाली वॉरियर। द मेन थिंग इज, आपको ये 1.5 साल के बाद बाहर आई है, एंड बिकॉज ये 1.5 साल के बाद बाहर आई है तो इनका फर्ज बनता है कि सेफ रहें, ये कोरोना से सेफ होने के लिए अंदर रह रही थी। तो मैंने समझाया फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ज़्यादा न्यूज़ ना देखें, कोरोना की कोई न्यूज़ आ रही है चेंज कर दो, बाकी सब न्यूज़ देखो, मज़ेदार ऐसे एंटरटेनमेंट देखो, फिल्मी बीट देखो, ये सब देखो। एंड जैसे अब ये आज फर्स्ट टाइम लोगों से मिलके जाएगी, घर जाए और थोड़ी स्टीम ले ले, बस 10 सांस ले नाक से अच्छी तरह, मुँह से निकालो, बिकॉज ये जो छोटा सा एक कीटाणु है कोविड का, ये जाके नाक में या मुंह में जाके बैठता है और इसको 3 दिन लगते हैं नीचे जाने। तो उससे पहले आप लोग गर्म चाय पीते जा रहे हो, स्टीम लेते जा रहे हो, तो वो मर जाता है। एंड आई थिंक अभी खत्म ही हो चुका है, इट्स एंडिंग, मुंबई इज गॉन टू लेवल 2 मंडे से। हम लोग फुल ऐश में घूमेंगे, बाहर खुली हवा खाएंगे। एक्चुअली मधुरिमा जी, इस बार किसका खून चूसने वाली हैं आप? क्यों ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि मैं खून चूसूंगी? ये तो इनके डायलॉग है, आपको पता है डायलॉग मारते रहते हैं, उस्ताद है। देखो ये हमारे दोस्त हैं, दोनों हमारे दोस्त हैं, जो दोस्त ही दोस्त की टांग खींचते हैं, उसकी भी टांग खींचेंगे, इसकी भी टांग खींचेंगे, लेकिन बस यही है। किसकी किसकी किसी बैंड बजाने वाले आप मैडम? किसी की भी नहीं, मैं आई होप इंस्टाग्राम और सब देख रहे हैं। एक सवाल है, विशाल कठपुतली क्लाइंबिंग का क्या विशेष देना चाहेंगे आप? मैं क्या कहूंगी, मैं ऑल द बेस्ट कहूंगी बस, और या बेस्ट विशेस जी। एंड लॉकडाउन, क्योंकि अब हम लॉकडाउन से धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं, सो क्या कुछ नई कुछ एक्टिविटी आप लोगों ने स्पेशली मुझे घर में ऐसी कोई एक्टिविटी सीखी आपने, ऐसे कुछ मेकअप करना, या आप बताइए मेकअप करना? मैंने बहुत कोशिश की कि खाना बनाना मैं सीखूं, बड़े मसाले BMC मसाले का एक डब्बा उसने भेजा मेरे लिए, बना इंदु तू खाना बना, वो आ गया डब्बा में, उनको देखते रहा, फिर मेरे कुक ने शुरू कर दिया उसमें खाना बनाना। मेरे बस का ही नहीं है ये, मैं बिग बॉस में रहकर भी नहीं सीख पाया, पता नहीं क्या चक्कर है, खाना बनाना एक आर्ट है। खाना बनाना एक आर्ट है, मतलब आपको पेशेंस चाहिए, आपको विल चाहिए, एक आर्ट है। ओके, एक अभी जो पर्ल पूरी का चल रहा है, कैसे सब पर्ल भी पूरी जो सैड है, क्योंकि जिस तरह के वो इंसान है बहुत ही अच्छे इंसान है, मतलब मैं एक बार मिली हूँ उनसे, और जो भी सुना है विश्वास नहीं होता है, सो होपफुली मे द ट्रूथ प्रिवेल और जस्टिस मिले उन्हें। मैं तो देखो पर्ल को जानता तक नहीं, पर मैं इतना जानता हूँ कि जो सिस्टम है वो बहुत रॉन्ग है। जब तक इंसान गिल्टी नहीं है और उसको ऐसे तुम जेल में डाल दिया है और बेल नहीं मिल रही और ऐसे ऐसे केस के चीज़ें ठोक दिए हैं जो डाल देते हैं कि कोई हस्बैंड वाइफ का शायद लड़ाई चल रही है, कुछ अलग ही मोशन, बहुत चीज़ें सुनने मिल रही हैं। जो भी है, एक आदमी को अपना पक्ष रखने का पूरा हक है, दिखाने का कि वो इनोसेंट है कि नहीं, और ये सिस्टम जो है बहुत रॉन्ग तरीके से हमारा चल रहा है, मुझे भी पता है, क्योंकि हमें पता है नकली केस कैसे बनाए जाते हैं, कैसे फंसाए जाते हैं लोग। तो आई थिंक इट्स अ नीड्स ओवरऑल, पूरा सिस्टम चेंज होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी आदमी को पूरा मौका मिलना चाहिए प्रूव करने का कि ये गिल्टी है, और उसके बाद वो अरेस्ट करना, जेल होना, ये सब होना चाहिए। सिटीजन है, टैक्स पेयर है, लव्ड है, उसे पूरा मौका मिलना चाहिए, जितना भी बुला के उससे क्वेश्चनिंग करो, जो मर्जी करो, लेकिन सीधा उसको ऐसे से इतने लंबे लंबे, आई थिंक इट्स रॉन्ग। एंड एक आखिरी सवाल, IPL फिर से अबू धाबी में सितंबर। मैं 2013 से लेके आज 8 साल हो गए, मैंने एक बॉल नहीं देखा, तो मुझे तो आइडिया नहीं, इससे पूछो। एक बॉल नहीं देखा लाइव में, मुझे पता ही नहीं, मैं सचिन तेंदुलकर उसमें लास्ट हीरो, मुझे पता ही नहीं ये सब कौन है, पांड्या वांड्या मैं कभी देखा ही नहीं, पेपर पे पढ़ता हूँ पांड्या तो देखता हुआ था, चाहे नहीं मैरिड नताशा हु वाज इन बिग बॉस विद अस, सो इट्स वंडरफुल एंड दे हैव अ लवली किड, जो पेपर में आता है वो पढ़ता हूँ, बट आई डोंट नो हाउ ही प्लेज।
I've never seen one ball. This is me. मेरे को लोग बुलाते भी नहीं किधर. कुछ क्रिकेट चल रहा था मुझे नहीं बुलाते. तो ऐसा आदमी हूँ मैं, क्योंकि मुझे मैं समझ सकता हूँ पर्ल के साथ क्या हुआ है, क्योंकि मेरे साथ भी हो चुका है. तो सोचो इतनी नफरत हो गई कि मैंने आज तक एक बॉल नहीं देखा जो मैं इतना प्यार करता था गेम से. तो दिस इज हाउ इट इज, आदमी की इज्जत जो है वो सबसे ऊपर होती है हर इंसान की, इसकी भी. हाँ, तो इज्जत या कोई किसी थोड़ा भी इसके ऊपर आँच करेगा तो कांटा मारूंगी, खून चूस जाऊंगी. मुझे फर्क ही नहीं पड़ता है, इज्जत आपको देनी है दो, नहीं देनी है मुझे नहीं फर्क पड़ता. दैट्स इट. आई वांट टू बी हैप्पी बिकॉज़ आई नो हु आई एम, सो आई डोंट वांट टू प्रूव एनीवन. यू आर वंडरफुल पर्सन, वंडरफुल वंडरफुल सोल. जी थैंक यू, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल.